Welcome back to my channel, guys. So today I'm going to give you a long-term review for the American muscle, the American beast. Yes, I'm talking about the Ford Endeavor. So keep watching this video till the end because I'm going to give you detailed information about the service cost, the maintenance cost, the drive quality, everything. So let's get started. तो मेरे सामने जो फोर्ड एंडेवर खड़ी है, दिस इज़ माई पर्सनल कार. सो आई एम गोइंग टू गिव यू इन डिटेल रिव्यू अबाउट द सर्विस कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, एवरीथिंग. सो वॉच टिल द एंड. सो ये जो मॉडल है, दिस इज़ द 3 लीटर मॉडल. इट्स गॉट अ 3 लीटर इंजन एंड इट्स ऑब्वियसली 4x4 ऑटोमेटिक वर्जन. सो इसमें 4 हाई एंड 4 लो का ऑप्शन है अगर आपको ऑफ रोडिंग के लिए लेके जानी है तो. अभी अगर आप देखेंगे सामने से, ये आगे से जो ये गाड़ी है, ये काफ़ी डोमिनेटिंग लगती है. इसका ग्रिल भी देखिए, इट्स गॉट अ क्रोम फिनिशिंग ऑन द ग्रिल बिकॉज ऑफ विच इट्स क्वाइट अपीलिंग एंड इट लुक्स वेरी नाइस. इट्स गॉट अ डिफरेंट टच ऑन इट. ऑलराइट, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ, सो इट्स गॉट अ 210 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस विच इज़ क्वाइट मैसिव. अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए लेके जा रहे हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है. सो ओवरऑल आगे से अगर आप लुक्स देखेंगे तो काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी अपीलिंग है. इट्स गॉट इट्स ओन रोड प्रेजेंस. ऑलराइट, सो ओवरऑल गाड़ी की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी बड़ी है. इट्स क्वाइट मैसिव, इट्स ह्यूज. और अगर मैं लेंथ की बात करूँ, सो इट्स 5060 mm इसका लेंथ है ये गाड़ी का. सो ये काफ़ी लंबी है. ओके, सो आगे से अगर आप देखेंगे तो मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है इस गाड़ी में. इसका जो हेडलाइट्स है उसमें मैंने खाली फिलिप्स के HD बल्ब्स लगाए हैं. फॉग लैम्प्स ओरिजिनल है, कंपनी फिटेड है. सो अगर साइड से देखेंगे तो साइड से कैसे लगती है देखते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द साइड. क्वाइट मैसिव, क्वाइट लॉन्ग. ओके, एंड यहाँ से भी देखिए ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा खासा है. सो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट SUVs दैट यू कैन टेक फॉर ऑफ रोडिंग. येस, सो मिरर्स अगर आप देखेंगे तो मिरर पे भी क्रोम फिनिशिंग दी है जिसके वजह से ये काफ़ी एक अच्छा टच आता है, काफ़ी अच्छा लुक आता है. इट्स गॉट टर्न इंडिकेटर्स ऑन द मिरर एज वेल. ओके, सो साइड से ये AC लगती है, काफ़ी लंबी है जैसे मैंने आपको बताया. इट्स गॉट एन अलॉय व्हील एंड ये साइड में जो आप देख रहे हैं साइड फुट स्टेप्स, ये काफ़ी ज़रूरी है स्पेशली फॉर अ कार दिस हाइट. ऑब्वियसली अगर आपके फैमिली में कोई सीनियर पर्सन हो, आपके मॉम डैड हो, सो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से ईजी हो जाता है टू गेट इन एंड गेट आउट ऑफ द कार. सो दैट इज़ ऑब्वियसली रिक्वायर्ड. सो अभी अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर कैरियर भी है और ये यहाँ पर रूफ रेल्स है. सो ये कंपनी फिटेड रूफ रेल्स है, कैरियर एक्सटर्नल फिटिंग में है. इट्स गॉट अ FM एंटेना, ये भी कंपनी फिटेड है. ओके, सो अभी हम पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे से देखेंगे गाड़ी कैसे लगती है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द रेयर. इट्स गॉट अ स्पेयर टायर, ऑब्वियसली ये स्टेपनी का टायर है स्पेयर. इसका जो कवर है ये नॉर्मली सिल्वर या ग्रे कलर में आता है, लेकिन मैंने जब गाड़ी ली थी तो इसको मैंने वाइट टच दिया था, वाइट कलर किया था, विच इज़ दी एक्चुअल कलर ऑफ द कार. सो आई मीन पर्सनली आई लाइक इट बिकॉज आई डेंट लाइक द ग्रे कलर और द सिल्वर कलर. नीचे एंडेवर लिखा हुआ है और ये नीचे रिवर्स कैमरा भी है. ओके, सो पीछे जो इसके टेल लाइट्स है, दीज ब्रेक लाइट्स, रेड लाइट्स, दीज आर डमी. बट अगर आप चाहें तो आप इसमें सॉकेट लगा के बल्ब लगा सकते हैं एंड यू कैन मेक इट वर्क. येस, दैट्स ऑप्शन इज़ अवेलेबल बिकॉज एज ऑफ नाउ द ओनली 2 ब्रेक लाइट्स एंड रिवर्स लाइट दैट आर एक्टिव इज ऑन द बम्पर जो वहाँ पे आपको दिख रहा है वो. ओके, सो लेट्स ओपन द बूट एंड सी हाउ द स्पेस इज. सो येस, सो दिस इज द स्पेस बिहाइंड द कार. सो डिक्की काफ़ी हैवी है, काफ़ी मजबूत है. देखिए अगर मैं डिक्की को थोड़ा भी हिला रहा हूँ पूरी गाड़ी हिल रही है. सो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हैवी है ये डिक्की और कितनी मजबूत है ये डिक्की. येस, ये देखिए, सो इतना स्पेस है आपको यहाँ पे. सो यहाँ पे एटलीस्ट 2 मिड साइज़ आपके सूटकेस रह सकते हैं अगर आपके साथ 7 पीपल है ट्रैवल कर रहे हैं. अगर आप 5 पीपल हो जो ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये सीट नीचे कर सकते हो. सो यहाँ पे एक लॉक आता है, ये नीचे कीजिए और ये सीट ऊपर कीजिए, यहाँ पे काफ़ी स्पेस हो जाती है. सो यहाँ पे काफ़ी सारे लगेज रख सकते हैं आप.
इसके अलावा अगर आप 7 लोग हो तो ऑब्वियसली कैरियर भी दिया हुआ है, तो आप कैरियर के ऊपर भी सामान रख सकते हो। एंड यहाँ पे डोर हैंडल है, यहाँ पे एक नेट है। ये जो कंपार्टमेंट है मैं आपको बताता हूँ क्या है, ये अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे पीछे का जो वाइपर है उसके लिए आप पानी रिफिल कर सकते हैं। तो फोर्ड ने स्पेशली इन दी ओल्ड एंडेवर आई कैन सी दैट दे हैव यूज्ड स्पेस वेरी नाइसली। यस आई टेल यू व्हाई। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लास होल्डर है, आप एस्ट्रे भी रख सकते हैं। ये छोटा सा कंपार्टमेंट जो आपको दिख रहा है अगर आप ये ओपन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने जैक प्लेस किया है अलॉन्ग विथ ऑल द टूल्स रिक्वायर्ड टू चेंज योर टायर। येस वेरी नाइसली प्लेस्ड इट इज। ओके सो यहाँ पे एक लॉक है, आप वो टाई कर सकते हैं ताकि ये जंपिंग में या गाड़ी वाइब्रेशन में ये हिलेगा नहीं। सो वेरी नाइसली प्लेस्ड, आई रियली लाइक दिस पार्ट। तो यहाँ वहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड में अच्छे से रह जाता है वो। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे ग्लास होल्डर है, यहाँ पे ये एस्ट्रे भी है। ओके सो दैट्स हाउ द स्पेस इज बिहाइंड। सो पीछे का बूथ स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। और यहाँ पे रूफ लाइट है। सो लेट्स गेट इनसाइड द कार नाउ। अभी ओके सो अभी हम लोग सेकेंड रो में पहले एंटर करके देखेंगे। सो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम लगती है बिकॉज इफ हैव टू कंपेयर इट विद सम अदर SUV। सो यहाँ पे जो ये बी पिलर है, ओके सो बी पिलर से लेके ये जो सीट का यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो गैप है अंदर एंटर करने के लिए, आई फाइंड दिस अ लिटिल लेस। यस सो इसके पहले मेरे पास ओल्ड टाटा सफारी थी और उसमें जो ये स्पेस था वहाँ पे एंटर करने का, ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा था। सो कभी कभी क्या होता है, स्पेशली इफ इट्स अ सीनियर पर्सन सिटिंग ऑन द रेयर सीट द पैसेंजर साइड पे, तो यहाँ पे जब उनको उतरना होता है तो ये जो पैर है उनके यहाँ पे अटक जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा पीछे होके देन द पर्सन हैज़ टू मूव आउट। सो यू कैन नॉट गेट आउट और यू नो गेट इन फास्ट, स्पेशली इफ इट्स अ ह्यूज पर्सन और इफ इट्स अ सीनियर पर्सन। यस तो वो एक प्रॉब्लम है। तो ये जो गैप आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा है। राइट सो अभी हम अंदर बैठ के देखेंगे इसका लेग रूम स्पेस कैसा है। सो जैसे कि ये डोर फिनिशिंग जो दिया है डोर पे, ओके ये जो वुडन टच दिया है, दैट्स क्वाइट नाइस, इट लुक्स वेरी नाइस। ओके सो लेट्स गेट इनसाइड द कार। ओके सो ये देखिए अभी फ़िलहाल ये जो आप स्पेस देख सकते हैं, लेग रूम काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है, इट्स क्वाइट कम्फर्टेबल, सीट्स आर क्वाइट कम्फर्टेबल। तो यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ग्लास होल्डर्स दिए हुए हैं और राइट एंड यहाँ पे जिप है, यहाँ पे पाउच टाइप से आप कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे भी बॉटल होल्डर है। ओके एंड जिससे मैंने बोला कि यहाँ पे जो लेवल है ये गाड़ी में थोड़ा सा ऊपर है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर सीट का जो लेवल है वो एक लेवल पे है, उसके बाद सेकेंड रो जो है वो एक ऊपर हो जाता है एंड द थर्ड रो और ऊपर हो जाता है। सो ये फोर्ड एंडेवर में स्पेशली दी ओल्ड वन में ये ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, तो जो पीछे बैठते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो एकदम टॉप ट्रक पे बैठे। सो व्यू इज़ लाइक यू नो इट्स अ बर्ड्स आई व्यू। यस बट इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर कोई लंबा इंसान इस गाड़ी में बैठता है तो उनका जो सिर है वो शायद यहाँ पे लग सकता है, तो हेडरूम का इशू हो सकता है। ओके बट आई हैव वन ऑफ माई कज़िन सिटिंग इन द सेकेंड रो, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है एज फार एज द हेड रो इज़ कंसर्न, बट येस जब वो लास्ट रो में बैठते हैं तो थोड़ा सा सिर जो है उनका ऊपर लगता है। सो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ओवर हियर। ओवरऑल सीट्स आर क्वाइट कम्फर्टेबल, जैसे मैंने बोला 3 जन आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट एंड यहाँ पे देखिए कंपनी फिटेड DVD प्लेयर आता था ये गाड़ी में, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ओल्ड वन सो नोबडी यूजेस इट। यहाँ पे रूफ लैम्प्स है और ये AC ब्लोअर का कंट्रोलर है यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 AC वेंट्स दिए हुए हैं, वैसे ही लास्ट रो में भी 2 AC वेंट्स दिए हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन गेट इनसाइड द कार। सो अंदर जाने के लिए आपको खाली ये लीवर जो है वो ऊपर करना है और ये इजीली ऊपर हो जाती है, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन गेट इनसाइड द कार। ओके सो अभी मैं ये लास्ट रो में बैठा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ओके अंडर थाई सपोर्ट का यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विद दिस कार ओनली। सो इन मोस्ट ऑफ द कार्स स्पेशली इन द लास्ट रो यू विल हैव दिस प्रॉब्लम विथ रिगार्ड्स टू द अंडर थाई सपोर्ट। सो अभी मैं सीट सीधे कर लेता हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम सीटेड इन द लास्ट रो। सो एज़ फार एज यंगस्टर्स आर कंसर्न एंड ऑल इट्स फाइन, लास्ट रो में आराम से बैठ सकते हैं फॉर अ लॉन्ग जर्नी, बट इट्स नॉट गुड फॉर सीनियर सिटीजन्स, अपने मॉम डैड, उनके लिए ठीक नहीं है ये लास्ट रो। हाँ अगर एक इंसान है तो आराम से ऐसे यू नो बैठ सकता है या बैठ सकती है, बट अगर 2 जन है या 3 जन है देन इट्स अ प्रॉब्लम। बच्चे लोग के लिए दिस इज़ द बेस्ट आइडियल प्लेस, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे
अब ये देखिए लास्ट लेवल और ऊपर जाता है, तो इसमें जो हेडरूम है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर है एज कम्पेयर टू द सेकेंड रो एंड एज वेल एज द फर्स्ट रो। ओके, सो वो एक प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे आपको हैंडल दिया हुआ है पकड़ने के लिए, यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया एस्ट्रे का ऑप्शन है, ओके, ग्लास होल्डर्स है, ऑलराइट। सो यस, सो दैट्स हाउ इट इज़ इन द लास्ट सीट। एंड यहाँ पे भी एसी के वेंट्स दिए, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और इसके जो एसी के वेंट्स दिए हुए सेकेंड रो एंड थर्ड रो में, इट गिव्स यू इक्वल अमाउंट ऑफ एयर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कूलिंग एज यू वुड फील ऑन द ड्राइवर सीट। येस, सो दैट्स वन बेस्ट थिंग अबाउट दी एसी। तो एंड में, क्योंकि नॉर्मली कुछ कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि एसी का जो वेंट होता है वो इतना हवा नहीं फेंकता लास्ट रो या सेकेंड रो में, बट इसमें वैसा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट्स गॉट अ पावरफुल इंजन एंड द एसी इज ऑल्सो क्वाइट गुड। ऑलराइट, सो लेट्स गेट टू द ड्राइवर सीट एंड हैव अ लुक एट इट। सो वापस ये लॉक आप ऊपर कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ यू ओपन द सीट। ओके, सो लेट्स गेट टू द ड्राइवर सीट नाउ। So let's get in the driver's seat and see. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा wood finishing दिया हुआ है, so it looks nice. I like the wood touch and the wood finishing. यहाँ पे power window controls है, automatic mirrors है, तो mirrors के control भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेडलाइट का जो लेवल है यहाँ, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे रोटेटर है उसके लिए, और ये जो रोटेटर है ये स्पीडोमीटर का लाइट है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप डिम कर सकते हैं। यहाँ पे बटन दिया हुआ है पेट्रोल डीजल टैंक ओपन करने के लिए। ओके, सो ऑब्वियसली दिस इज द डीजल वर्जन, सो उसके लिए बटन दिया हुआ है। दिस इज़ द ब्लोअर एंड दिस इज़ द स्पीडोमीटर। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो येस, इट्स गॉट अ एयर बैग ओवर हियर, सो इट्स गॉट ड्राइवर सीट एंड पैसेंजर सीट पे एयर बैग है, और पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी लेफ्ट एंड राइट में एयर बैग्स है। दिस इज हाउ द डैशबोर्ड लुक्स लाइक, क्वाइट गुड, क्वाइट पॉश, इट्स गॉट अ गुड फिनिशिंग। फाइबर जो है इसका ये काफ़ी, एंड द प्लास्टिक एंड द फाइबर दैट इज़ देयर यूज इन दिस कार, इट्स क्वाइट टफ। ओके, इट्स क्वाइट रफ, ऐसे डेलिकेट नहीं है। और ये देखिए काफ़ी मजबूत है ये। ऑलराइट, सो एज आई मेंशन दिस इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सो दिस इज़ द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर लीवर। ये जो है वो फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन है, द बटन है यहाँ पे, ये स्विच है यहाँ पे फोर व्हील ड्राइव एंड फोर हाई एंड फोर लो के लिए। सो नॉर्मली फोर हाई आप तभी यूज़ कर सकते हो अगर आपको, आप नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हो लेकिन जो रोड कंडीशंस आर नॉट गुड, स्पेशली इफ इट्स रेनिंग, हाईवे पे आप चला रहे हो 60-80 की स्पीड पे, तो आप फोर हाई यूज़ कर सकते हो। और फोर लो आपको तभी यूज़ करना है जब आप ऑफ रोडिंग के लिए जाते हो और काफ़ी कम स्पीड में हो, आपको ऊपर घाट पे चढ़ना है, या आप यू नो एकदम ग्रेवल्स है काफ़ी सारा, आप स्लो चला रहे हो या पानी में चला रहे हो, तभी आप फोर लो यूज़ करते हो। सो दैट्स द मेन फंडा ऑफ फोर हाई एंड फोर लो, स्पेशली वन यू आर गोइंग फॉर ऑफ रोडिंग। यहाँ पे ये ग्लो बॉक्स दिया हुआ है, अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे काफ़ी सामान रह सकता है, उसके ऊपर एक छोटा सा सेक्शन है। ओके, सो दिस इज अ ग्लास होल्डर दैट यू हैव, यू कैन कीप कॉइन्स ऑल्सो ओवर हियर। सीट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल, नॉट बैड एट ऑल। ओके, यहाँ पे एसी ब्लोअर है, यहाँ पे भी एक ब्लोअर है। ऑलराइट, सो ये नॉर्मल मिरर है, ये मिरर ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटो डिमिंग नहीं है इसमें। One more problem that I see in this car is that यहाँ पर roof light नहीं है। Yeah, that is the problem. Quite surprising कि यहाँ पर roof light नहीं है। यहाँ पर इन्होंने दो compartment दिए हैं जहाँ पर आप आपके ग्लेस रख सकते हो, but I think इसके पहले यहाँ पर अगर एक roof light place की होती तो अच्छा होता। ये sunvisor है obviously, और यहाँ पर mirror दिया हुआ है, same goes for here also. ओके, सो दैट्स द इंटीरियर पार्ट। ऑलराइट, यहाँ पर जो आप ये बटन देख सकते हैं, ये छोटा सा बटन है, ये रेयर एसी के लिए है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे दो लाइटर का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप चार्जिंग भी कर सकते हो, सो यू कैन चार्ज योर फ़ोन और टैबलेट और व्हाटएवर इट इज़। और यहाँ पे जो देखिए आप, ये मैंने नया सिस्टम बिठाया हुआ है, ऑब्वियसली दिस इज द पाइनियर MBH 8219BT, दिस इज़ द स्क्रीन मिररिंग सिस्टम। ऑब्वियसली यू हैव टू स्क्रीन मिरर इट यूजिंग अ USB केबल, दिस इज़ नॉट द वायरलेस स्क्रीन मिररिंग, बट वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स दैट वी हैव फ्रॉम पाइनियर। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो चेक कीजिए, मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किया था, आपने देखा भी होगा। ऑलराइट, सो लेट्स गो फॉर अ क्विक स्मॉल ड्राइव एंड वी विल टॉक अबाउट द राइड एंड द ड्राइव क्वालिटी ऑन इन सिटी एंड ऑन द हाईवे एज वेल। ओके, एंड तभी मैं आपको मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका सर्विस कॉस्ट सब के बारे में बताऊँगा। ओके, सो इसकी राइड क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो इट्स गॉट अ गुड राइड क्वालिटी। जब आप ये गाड़ी चलाते हो तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, ऑब्वियसली यू आर सिटिंग राइट एट द टॉप,
सो बिकॉज इसकी हाइट काफ़ी अच्छी खासी है, सो यू हैव गॉट अ गुड बर्ड्स आई व्यू. एंड स्पेशली मुंबई रोड्स पे आपके बीच में कोई ऐसे घुसने की कोशिश नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द कार. एंड एज आई मेंशन इट लुक्स क्वाइट डोमिनेटिंग. ओके, पिकअप की अगर मैं बात करूँ तो इट्स गॉट अ गुड पिकअप. ये देखिए, इट्स गॉट अ गुड पिकअप इन द कार. ऑलराइट, सो दैट्स वन गुड थिंग. एंड एज आई मेंशन इट्स गॉट अ 3 लीटर इंजन, सो 154 bhp काफ़ी अच्छा खासा पावर है इसमें. ओके, बट एट द सेम टाइम इसमें अगर आप देखेंगे इसका जो गियर चेंज शिफ्टिंग है, दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इसमें थोड़ा सा लैग है. येस, द गियर शिफ्टिंग इज अ लिटल बिट स्लो. या सो दैट्स वन लैग दैट आई फाइंड व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग. इट्स गॉट अ 5-speed ऑटोमेटिक. बट या अनदर थिंग दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विथ इज स्पेशली व्हेन यू आर इनसाइड द कार, व्हेन यू आर ड्राइविंग योर कार. ओके, सो इट्स वेरी नॉइजी इन द यू नो इन द इनसाइड. सो व्हेन आई से नॉइजी एज इन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉइज दैट यू हैव आउटसाइड लाइक दूसरी गाड़ियों का आवाज़ या ऐसा कुछ. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंजन नॉइज. द कैबिन इज क्वाइट लाउड. यस, सो इंजन काफ़ी लाउड है इसकी. बट एट द सेम टाइम वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज एज सुन एज यू नो यू आर ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जैसे ही गाड़ी अच्छी खासी गर्म हो जाती है उसके बाद वो जो साउंड है वो काफ़ी कम हो जाता है. या सो दैट्स वन थिंग. एंड आप ड्राइव क्वालिटी तो देख ही सकते हैं, इट्स क्वाइट गुड. और राइट, इसका अपील एक अलग ही है. इट्स गॉट अ गुड अपीयरेंस ऑन रोड एज वेल. ओके, एंड स्पेशली अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ, सो इट्स गॉट अ गुड सस्पेंशन. एंड खड्डे में आगे जब आप जाएंगे तो आपको इतना फील नहीं होगा. ओके, इट्स गॉट अ सॉफ्ट टच, स्पेशली जब खड्डे में गाड़ी जाती है तो. ओके, सो इट्स नॉट वेरी स्टिफ, ऑलराइट, सो इट्स गुड. सस्पेंशन इज क्वाइट गुड, आई लाइक द सस्पेंशन. ओके, एंड सो मैंने हाईवे पे कम से कम 140 टच किया है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा. ऑलराइट, सो यस, इसकी ड्राइव क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. और सिटी में जब आप चलाते हो तो यू कैन नॉट ड्राइव दिस कार लाइक अ स्मॉल हैचबैक. सो लॉट ऑफ पीपल से यू नो कि मतलब क्या मैं मारुति की तरह छोटी अगर कोई गाड़ी है, या कोई भी छोटी गाड़ी हो, होंडा की छोटी जैज ले लो, एनी स्मॉल कार फॉर दैट मैटर, एनी जैज और एनी पेट्रोल कार ऑल्सो, कैन आई यू नो मैं वैसे कट मार सकता हूँ क्या, या मैं वैसे मैन्यूवर कर सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली नॉट गाइज, बिकॉज दिस इज़ अ बिग कार. लुक एट द साइज ऑफ द कार. ये गाड़ी हैवी भी है कंपेयर टू हैचबैक. सो यू कैन नॉट ड्राइव इन द सिटी एज यू वुड ड्राइव अ स्मॉल कार और अ स्मॉल हैचबैक कार. येस, सो डोंट इवन ट्राई दैट. ओके, देखिए अभी यहाँ पे काफ़ी खड्डा है तो ये सस्पेंशन काफ़ी, यू गेट दैट सॉफ्ट फीलिंग, इट्स नॉट वेरी स्टिफ. और इट्स आई लाइक द सस्पेंशन. सस्पेंशन इज गुड, क्वाइट रगेड एंड क्वाइट रफ. ओके, इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो मैंने जैसे मैं एक साल के ऊपर हो गया मैं ये गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अब तक इसको 2 बार सर्विसिंग की है. और राइट, सो नॉर्मली यू वंस यू सर्विस द कार यू ड्राइव इट फॉर लाइक 5,000-6,000 किलोमीटर्स और मे बी 6 months व्हाटएवर कम्स अर्ली. ओके, सो उसके हिसाब से मैंने अब तक 2 बार सर्विसिंग की है. सो सर्विसिंग की जो कॉस्ट है एंड टू एंड मैं आपको बताता हूँ, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, सब कुछ लेके. नाउ जो ऑयल फिल्टर होता है वो हर बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एयर फिल्टर यस, कभी कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. तो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँगा तो इंजन ऑयल और सब पकड़ के, लेबर एंड ऑल एवरीथिंग, इट कम्स टू अराउंड 5,000-6,000 ईयर्स. बट दिस इज समथिंग दैट इफ़ यू डू इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैकेनिक, येस, बिकॉज ऑब्वियसली ये 2009 की गाड़ी है, इट डजेंट हैव अ वारंटी और अ गारंटी और समथिंग. सो माइट एज वेल टेकिंग इट टू अ ऑथराइज सर्विस सेंटर. आई प्रेफर गेटिंग इट सर्विस्ड एंड डन फ्रॉम माई लोकल मैकेनिक. एंड येस, बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट यू नो हैपन थ्रू योर लोकल मैकेनिक, यू नीड टू एंश्योर दैट योर मैकेनिक इज रिलायबल एंड ही इज़ नॉट इन टू जस्ट मिंटिंग मनी फ्रॉम यू. येस, योर मैकेनिक हैज़ टू बी लॉयल इनफ so that you can blindly rely on him and give your car to him. Yes, so I have got a good reliable mechanic, touchwood, and that's the reason main meri gaadi unse hi servicing karata hu. All right, so it's quite, he's quite reliable, unke labor cost bhi kafi kam hote hain. Yes, so kafi mushkil hai aise mechanic milna, but I am one of the lucky ones, I would say. So ye ho gaya service cost, that is the servicing ke bare mein. Lekin agar main aapko अलग मेंटेनेंस कॉस्ट बताओ तो उसके अलावा, अभी जैसे मैंने जब से गाड़ी ली है तो जो लेफ़्ट का मिरर है इसमें प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो मिरर को मैंने
चेंज नहीं किया बिकॉज ओवरऑल अगर मैं कॉस्ट चेक किया है मिरर का, दैट मिरर इज अराउंड 22,000. यस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. पार्ट्स आर लिटिल एक्सपेंसिव गाइज. 22,000. सो मेरे पास एक पहचान वाला इलेक्ट्रिशियन था, उन्होंने वो मिरर निकाल के लेके गए, उन्होंने 5-6 दिन रखा, उन्होंने दूसरी गाड़ी का मिरर का जो मोटर था वो मिरर का यू नो मोटर इसमें लगा के उन्होंने काफ़ी अलग से रिपेयरिंग करके एंड ऑल दैट उन्होंने बनाया. इट कॉस्टेड मी अराउंड 4,500, बट या इट्स वर्थ इट, राइट. सो 22,000 कहाँ पे और 5,000 में जो मिरर रिपेयर हुआ है वो ओबियसली, सो दैट वॉज क्वाइट गुड. सो वो एक ओवरऑल मुझे कॉस्ट लगा था. उसके अलावा 6 महीने बाद मैंने जब ली थी उसके बाद एक छोटा सा ऑयल लीकेज हो रहा था, तो जब मैंने मेरे मैकेनिक से चेक करवाया, सो ही सेड दैट एक हॉस पाइप करके आता है, एक बड़ा पाइप होता है, इट्स इन नॉर्मली इन एल शेप. उन्होंने बोला कि वो लीकेज है वहाँ पे, तो वो पाइप काफ़ी वन आउट हो चुका था. ऑब्वियसली इन पाइप्स एंड ऑल इज समथिंग दैट यू कैन नॉट रिपेयर, डोंट इवन ट्राई टू डू दैट बिकॉज इट्स रिस्की. सो माइट एज वेल पाइप और ये सब है जो नया ही डालना चाहिए, यू शुड रिप्लेस इट विद अ न्यू वन. सो वो जो पाइप है मैंने नया ब्रांड न्यू हम ओपेरा हाउस से लेके आए. ओपेरा हाउस इज़ वन प्लेस वे यू विल एक्चुअली यू नो गेट डिटेल्स अबाउट ऑल द पार्ट्स फॉर ऑल द कार्स दैट यू वांट एंड यू गेट इट एट अ गुड चीप रेट. ओके, एंड इट्स ऑब्वियसली इट्स अ ब्रांड न्यू वन. ओके, सो वहाँ से मैंने वो पाइप लेके आया था एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 3,500 एंड मेरे मैकेनिक ने लेबर लिया अराउंड 600. सो मुझे 4,100 वो एक खर्चा आया था. ओके, उसके अलावा नॉर्मल जो पावर विंडोज़ एंड ऑल है वो थोड़ा सा वीक हो गया था एक साइड का, तो वो मैंने थोड़ा सा रिपेयर किया था. एक साइड का पावर विंडो बंद हो गया था पीछे का, वो मैंने रिपेयर किया. सो दीज आर नॉर्मल कॉस्ट एंड दीज आर दी एक्सपेंसिस दैट आई हैव पुट ऑन दिस कार टिल नाउ टिल डेट. सो ओवरऑल आई वुड से मेंटेनेंस काफ़ी हैवी नहीं है. ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स द वे यू मेंटेन द कार. ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. ऑलराइट, सो अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हो, ओके, सो आप एक बार ये रिव्यू देख लीजिए. ऑलराइट, और मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, जब भी आप गाड़ी लोगे आप एक बार किसी लोकल मैकेनिक से, अगर आपका कोई मैकेनिक पहचान वाला नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल गैराज में लेके जाइए, वो आपको मे बी दे मे कॉस्ट यू 500 और यू नो 1,000 बक्स, बट इट्स वर्थ गेटिंग द कार चेक्ड. एंड व्हाट दे विल डू इज दे विल स्कैन इट प्रॉपरली, और स्कैनर में तो सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. सो आप एक बार स्कैन करके देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा जब भी आप कोई भी गाड़ी खरीदो. ओके, सो ओवरऑल इफ आई हैव टू सम इट अप, अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हो, दैट्स द ओल्ड फोर्ड एंडेवर. इट्स अ गुड कार, इट्स अ गुड ऑप्शन, स्पेशली इफ यू हैव अ गुड बिग फैमिली. ओके, एंड आप अगर ज़्यादा करके आउट ऑफ मुंबई ट्रैवल करते हो, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव. ओके, बट अगर आपको खाली सिटी में यूज़ करनी है, सो इट्स क्वाइट बल्की एंड क्वाइट हैवी. सो खाली सिटी के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट दिस कार, बट अगर आपका रेगुलर अप डाउन ट्रैवल होता है मुंबई के बाहर हाईवेज पे एंड ऑल दैट, येस देन डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड आइडियल SUV दैट यू कैन एक्चुअली गो फॉर. और इट्स ऑब्वियसली काफ़ी सारे ऑप्शन है, इट बिकम्स ऑन योर पर्सनल चॉइस ऑल्सो, बट देन या फॉर दिस कार आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ रिव्यू, सो इट मेक्स ईजी फॉर यू टू टेक योर डिसीजन वेदर यू कैन बाई दिस कार और नॉट. सो येस, so that's the review, complete review about this car. If you have any questions guys, please comment and I will definitely try to answer all of them and clear your doubts. Okay, so thank you so much for watching guys, I hope you like this video and keep watching for many such videos to come. Thank you so much, bye bye, take care.